हेलो प्यारे बच्चों, कक्षा 10 के अध्याय 10 में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे प्रश्नावली 10.2। तो आइए प्रश्न संख्या 1 को पढ़ते हैं। एक बिंदु क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, यानी कि बिंदु क्यू से ये पी बिंदु तक जो हमारी स्पर्श रेखा है उसकी लंबाई है 24 सेंटीमीटर, तथा क्यू से केंद्र की दूरी बिंदु क्यू है इससे ओ तक की दूरी है 25 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? हमें वृत्त की त्रिज्या बतानी है, यानी हमें ओ पी की वैल्यू निकालनी कि ओ पी कितना होगा। ओ पी हमारी त्रिज्या है, ओ पी है जो, उसकी लंबाई कितनी है वो हमें निकालनी है। अब जो है हमारे पास एंगल है, यहाँ पर जो कोण बन रहा है क्यू पी ओ, ये जो क्यू पी ओ एंगल है, कोण है, ये बराबर है 90 डिग्री के। क्यों? क्योंकि स्पर्श बिंदु से अगर हम मिलाते हैं केंद्र को तो जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा के ऊपर लंब होती है, परमे 10.1 द्वारा, परमे 10.1 से। अब त्रिभुज ओ पी क्यू एक समकोण त्रिभुज हो जाएगी। अब समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय से ये हमारा हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण और ओपी हो जाएगा लंब। तो यहाँ पर हमारे पास जो लंब है ओपी, ओपी का वर्ग बराबर हो जाएगा कर्ण का वर्ग यानी ओ क्यू का वर्ग घटा आधार का वर्ग यानी कि पी क्यू का वर्ग। ओपी हमें निकालना है, ओ क्यू हमारे पास है 25, 25 का वर्ग घटा पी क्यू हमारे पास 24, ये हो जाएगा 625 घटा 576। तो ओपी वर्ग बराबर हो जाएगा, इसको हम घटाएंगे यहाँ से, ये हमारे पास आएगा 49। तो यहाँ से ओ पी बराबर हो जाएगा 49 का वर्ग मूल, और ये बराबर होगा 7। तो त्रिज्या की जो लंबाई है वो हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 2 है, आकृति में यदि टी पी टी क्यू केंद्र ओ वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि पी ओ क्यू जो एंगल है वो 110 डिग्री के बराबर है, यानी ये जो एंगल है ये 110 डिग्री का हमें दिया हुआ है। तो एंगल पी टी क्यू, पी टी क्यू यानी ये वाला जो एंगल है ये किसके बराबर होगा हमें ये बताना है। तो आइए इसको हल करते हैं। जो एंगल हमारे पास ओ पी टी है, ओ पी टी, ये बराबर होगा 90 डिग्री, परमे 10.1 द्वारा, परमे 10.1 द्वारा। ये अगर हम केंद्र को मिलाते हैं स्पर्श बिंदु से तो त्रिज्या आएगी वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। इसी प्रकार जो कोण है ओ क्यू टी वो भी होगा 90 डिग्री, परमे 10.1 द्वारा। एंगल पी ओ क्यू हमें दिया हुआ है 110 डिग्री, ये दिया है हमें। एंगल हमारे पास अब रह गया पी टी क्यू जो हमें निकालना है। टी पी ओ क्यू ये एक चतुर्भुज है और हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो हमारे पास एंगल ओ पी टी जमा एंगल ओ क्यू टी जमा एंगल पी ओ क्यू जमा पी टी क्यू, इन चारों का सम बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। अब इनकी वैल्यू रखेंगे, ओ पी टी हमारे पास है 90 डिग्री, ओ क्यू टी भी 90 डिग्री, पी ओ क्यू 110 डिग्री दिया हुआ है, और एंगल पी टी क्यू हमें निकालना है। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा ये
90 180 और 110 290 डिग्री प्लस एंगल पी टी क्या बराबर 360 डिग्री। यहाँ से हमारे पास एंगल पी टी क्यू बराबर आ जाएगा 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री बराबर आएगा 70 डिग्री। तो हमारा एंगल पी टी क्यू बराबर होगा 70 डिग्री, ये हमारा आंसर होगा। प्रश्न संख्या 3 है, एक बिंदु पी से ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर पी ए और पी बी दो स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं, यानी दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच ये जो कोण है ए पी बी, ये हमारे पास है 80 डिग्री का कोण ए पी बी बराबर है 80 डिग्री। तो हमें कोण पी ओ ए का मान निकालना है कि कोण पी ओ ए ये वाला जो कोण है ये किसके बराबर होगा। तो आइए इसको हल करते हैं। हम लेते हैं त्रिभुज पी ओ बी व त्रिभुज पी ओ ए, इन त्रिभुजों में इनको हम सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। तीन त्रिभुजों में देखिए पी ओ बराबर है पी ओ उभयनिष्ठ, ये जो भुजा है ये दोनों त्रिभुजों के अंदर उभयनिष्ठ है कॉमन है। फिर जो एंगल ए है वो एंगल यहाँ में बी लेंगे हम, क्योंकि इधर हमने पी ओ बी लिया है तो पहले बी लेंगे। एंगल बी बराबर है एंगल ए, यानी बी जो कोण है वो कोण ए के बराबर है। तीसरा यहाँ पर जो हमारे पास ओ बी है वो बराबर है ओ ए, क्योंकि ये दोनों ही वृत्त की क्या हैं त्रिज्याएं, तो बराबर होंगी, इसलिए हमारे पास त्रिभुज पी ओ बी सर्वांगसम हो जाएगी त्रिभुज पी ओ ए, भुजा कोण भुजा द्वारा दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि जो एंगल है ये ए पी ओ, ए पी ओ बराबर होगा बी पी ओ बाई सी पी सी टी, या ये कह सकते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। तो ये कोण आपस में दोनों बराबर होंगे। अब हमारे पास जो कोण दे रखा है ए पी बी वो कोण है 80 डिग्री के बराबर, तो यहाँ से हमारे पास ये जो कोण ए पी ओ है ए पी ओ ये हो जाएगा 80 का आधा 40 डिग्री, क्योंकि ये पूरा जो कोण है ये 80 डिग्री का है और ये कोण दो कोणों से मिलकर बनाया है और ये दोनों कोण आपस में हमने बराबर सिद्ध कर दिए, तो ये दोनों कोण 40 40 डिग्री के हो जाएंगे। यहाँ से ए पी ओ हमारे पास हो जाएगा, ये जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा 40 डिग्री का। अब हमारे पास जो एंगल पी ए ओ है ये एंगल ये है 90 डिग्री का परमेय 10.1 द्वारा, जो कोण पी ए ओ है वो है 90 डिग्री परमेय 10.1 द्वारा। अब त्रिभुज लेते हैं हम पी ओ ए में, इस त्रिभुज के अंदर हमारे पास ये कोण 40 डिग्री का है ये 90 डिग्री का है, तो कोण हमारे पास बच गया पी ओ ए जो हमें निकालना है। तो पी ओ ए जो कोण है वो बराबर होगा 180 डिग्री घटा इन दोनों का जोड़ 40 जमा 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 180 घटा 130 डिग्री, यानी ये आ जाएगा हमारे पास 50 डिग्री, ये हमारा आंसर होगा। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, तो दो कोणों का जोड़ हमारे पास है 90 और 40 130, तो तीसरा कोण बचेगा 180 घटा 130 बराबर 50 डिग्री। प्रश्न संख्या 4 है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। हमें वृत्त दिया हुआ है, हमने इसके व्यास के ऊपर दोनों सिरों के ऊपर दो स्पर्श रेखाएं खींची हैं ए बी और सी डी, और हमें ये दिखाना है ये सिद्ध करना है कि ये दोनों जो रेखाएं हैं स्पर्श रेखाएं ए बी और सी डी ये क्या हैं समानांतर है। तो इसमें हमें सिद्ध करना है कि ए बी समानांतर होगी सी डी की, तो
तो इसको हम केंद्र ओ मान लेते हैं। अब हमारे पास ये जो एंगल है यहाँ पर, जिसको हम नाम दे देते हैं एंगल एक, कोण एक बराबर होगा 90 डिग्री। क्यों? परमेय 10.1 द्वारा, परमेय 10.1 क्या कहती है कि अगर हम स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाएं, ये हमारा स्पर्श बिंदु ई है, इसको हमने केंद्र से मिला तो त्रिज्या बनेगी, वो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। इसको हम इस तरह आसान भाषा में समझ सकते हैं। तो ये कोण हमारे पास एक हो जाएगा 90 डिग्री का। इसी प्रकार से ये जो कोण दो है ये भी बराबर होगा 90 डिग्री परमेय 10.1 द्वारा, क्योंकि ये हमारे पास एक स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श बिंदु है, तो स्पर्श बिंदु को हमने मिलाया है किससे? केंद्र से, क्योंकि ये व्यास है, तो व्यास हमेशा वृत्त के केंद्र से ही गुजरता है। तो इसको मिलाएंगे जो त्रिज्या आएगी OF, ये त्रिज्या OF CD के ऊपर लंब होगी, तो ये कोण दो बराबर होगा 90, इधर वाला ये कोण भी 90 होगा और ये भी 90 होगा, तो कोण दो भी क्या होगा 90, सॉरी ये कोण दो आएगा, कोण दो बराबर है 90 डिग्री। अब यहाँ से इन दोनों से हम क्या कह सकते हैं कि कोण एक बराबर कोण दो बराबर 90 डिग्री, यानी कोण एक और कोण दो हमारे क्या आगे बराबर। अब कोण एक और दो बराबर तभी होंगे जब ये दोनों रेखाएं क्या होंगी? समानांतर। परंतु कोण एक व कोण दो एकांतर कोण है, ये कौन से कोण हैं? एकांतर कोण। और एकांतर कोण बराबर तभी होते हैं जब रेखाएं क्या हों? समानांतर। इसका मतलब यह है कि AB समानांतर होगा CD, क्योंकि एकांतर कोण बराबर तभी होते हैं जब दोनों रेखाएं क्या हों? समानांतर। और एक और दो हमारे बराबर हैं, इसका मतलब AB और CD क्या हैं? समानांतर। प्रश्न संख्या 5 है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होके जाता है। तो ये हमारे पास एक वृत्त है, ये इसका स्पर्श बिंदु P है, ये स्पर्श रेखा है, इसका स्पर्श बिंदु है P। तो हम ये दिखाना है कि स्पर्श बिंदु से यानी P से स्पर्श रेखा के ऊपर खींचा गया लंब, इस बिंदु P से हम और इस रेखा के ऊपर एक लंब खींचते हैं, तो वो लंब है वो केंद्र से यानी O से होके गुजरेगा। हैं कि माना स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब O की बजाय O डैश से गुजरता है। हम यहां पर ये उल्टा मान के चलेंगे कि माना लंब है वो O की बजाय O डैश से गुजरता है। तो हमने यहां पर एक बिंदु ले लिया O डैश और इसको हमने मिला दिया। अब हमारे पास देखिए यहाँ पर जो कोण है ओ पी ए, कोण ओ पी ए ये बराबर है 90 डिग्री के। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये दिया हुआ है कि स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब, तो ये क्या है यहाँ पर लंब है, तो ये कोण कितने का होगा? 90 डिग्री का। इसको हमने मान लिया समीकरण एक। अब हमने ये मानना है कि माना लंब O की बजाय कहाँ से गुजरता है? O डैश से। तो O डैश से गुजरता है वो हमारे पास लंब है, तो लंब है तो वो कोण भी कितने का होगा? ये वाला कोण 90 का होगा, यानी कोण O डैश पी बी ये बराबर होगा 90 डिग्री के, क्योंकि हमने माना है कि जो लंब है वो O डैश से गुजरता है, जो O डैश से गुजरने वाला जो रेखाखंड है वो क्या है? लंब है, उसको हमने मानना है, तो बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। और ये हमें ऊपर सिद्ध करना है कि यहाँ से जो हमने स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर जो लंब खींचा है वो केंद्र से होके जा रहा है, यानी हमने यहाँ पर ये लंब खींचा है, ये हमें लंब दिया हुआ है, और हमें बताना ये है कि ये लंब केंद्र O से गुजरता है, तो लंब तो हमें दिया ही हुआ है यहाँ पर। तो ये हमारे पास कोण ओ पी 90 डिग्री का होगा और ओ डैश पी बी भी 90 डिग्री का होगा। इन दोनों समीकरण एक व दो से
हम ये कह सकते हैं कि कोण ओ पी ए बराबर है कोण ओ डैश पी बी, क्योंकि दोनों कोण बराबर हैं 90 डिग्री के। अब ये दोनों कोण बराबर 90 डिग्री के हैं तो ये दोनों कोण बराबर कब हो सकते हैं? दोनों कोण 90 डिग्री के बराबर तभी होंगे जब बिंदु ओ और ओ डैश क्या होगा, संपाति। परंतु ये कोण बराबर तभी हो सकते हैं जब ओ व ओ डैश क्या हो जाए, संपाति हो जाए। मतलब कि ओ और डैश दो बिंदु ना होकर के केवल एक ही जगह हों, यानी दोनों एक ही बिंदु पर हों, दो बिंदु ना होकर के केवल एक बिंदु हो। अतः हम कह सकते हैं कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। अतः हम कह सकते हैं कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरता है।